आज मैं आपको YouTube के एक नए अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि है रीयूज डिटेल, जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। आपको जैसे आप किसी वीडियो को जब आप अपलोड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम अपलोड पे जाते हैं सेक्शन पे और अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहां हमें एक ऐसा ऑप्शन दिखता है, यहां इस पे हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल के ऊपर, तो यहां से हम कोई भी एक फाइल कर लेते हैं सेलेक्ट। जैसे ये मैंने फाइल कर ली सेलेक्ट मैंने, अब जब हम फाइल कर लेते हैं सेलेक्ट तो हमें जो है जब वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक रीयूज डिटेल का ऑप्शन मिलता है, रीयूज डिटेल्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जब क्लिक करेंगे हम तो हमें यहाँ पे जो है वीडियोज़ जैसे दिखाई देती है, और हमें किस वीडियो का टैग टाइटल रीयूज़ करना है, हमें रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जैसे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें जो है मेरे को टाइटल इसका मुझे रीयूज़ करना है या डिस्क्रिप्शन रीयूज़ करना है, प्लेलिस्ट, ये जो भी इसमें चीज़ें आप रियूज, ये टैग्स हो गए और वीडियो लैंग्वेज, जो जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो ये जो वीडियो हमने अभी अपलोडिंग के लिए डाली हुई है इस वीडियो के अंदर जो है हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ जैसे अगर हमें रियूज़ करना है तो वो जो है रियूज़ हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में वही रखना चाहता हूँ, केवल मैं टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ, तो टाइटल को अनटिक करके और नॉर्मली जो है हम यहाँ से रियूज़ पर क्लिक करेंगे। रिव्यूज़ पे क्लिक करते ही जो है ये टैग्स वगैरह ऑटोमेटिक जो भी चीज़ इसमें है, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी। जैसे मैं रिव्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं जिस पर क्लिक करते ही जो है अगर आप देखेंगे नीचे तो ये जो है मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन मेरा सारा चेंज हो गया और इसके अंदर टैग टाइटल वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। केवल एक टाइटल जो है वो अब हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको सेटिंग कैसी लगी, ये जो YouTube का जो अपडेट है ये कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।